हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सब अपने घर पे मजे कर रहे होंगे और दिवाली मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस ये रहेगा मेरा दिवाली का व्लॉग। गाइस करेंगे फुल डे व्लॉग, पहला व्लॉग है तो बताना क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, जो गलतियाँ बताओगे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले काम करना स्टार्ट करते हैं और मैं आ गया हूँ सबसे पहले आम की पत्ती लेने। जो अपन घर पे आम की पत्तियाँ लगाते हैं वो तोड़ के ले जाऊँगा, फिर आगे और बताऊँगा जो जो मज़ेदार एक्टिविटियाँ होगी सब। ले और तोड़ा सो क्या यार, अच्छे बड़े बड़े पत्ते तोड़। ये मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूंगा, लोग आएंगे फिर तेरे पास, शायद तेरी शादी का रिश्ता आ जाए नया वाला। चले काम की पत्तियां तोड़ ली, अब जाएंगे घर और फिर धोएंगे पूरे घर को और महकाएंगे और लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। चल अच्छे से धुल ले, मस्त जगह साफ कर रहे। चलो फिर फाइनली जिद्दो जहद करने के बाद रूम कर दिया है साफ, यहाँ करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा। वो जब सेटअप लगेगा जब आपको दिखाऊंगा। और स्टेयर भी कर दी है क्लीन एकदम चकाचक। चलो रूम साफ हो गए, अब चलते हैं पटाखे खरीदने। तो गाइस फाइनली आ गए हम शॉपिंग करके क्रैकर्स की, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लगभग एक झूला भर के क्रैकर लाए, इसमें मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जब मैं फोड़ूंगा इसे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्रैकर्स कैसे हो कितने में लाया हूँ। गाइस ये बैठे हमारे बड़े भाई ए के मोहित लाइफस्टाइल के ओनर मोहित अग्रवाल, जिनने आज पूरे दिन आराम किया है और आराम करके थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हैं, तो इनके लिए अब चाय पानी की व्यवस्था हो रही है। तो गाइस हो गए तैयार एकदम मस्त पूजा के लिए, अब करते हैं पूजा स्टार्ट। तो दोस्तों अभी तक आपको लगा हुआ व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग, अब देखो मजेदार चीज, अब दिखाता हूँ क्या क्या खाने के लिए बनाया मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से। तो सबसे पहले घर में बनाया सेव चूड़ा मिठाई, ये सब अपन नहीं खाएंगे। ये बनी है गुलाब जामुन, ये एक नंबर की बनी है, मजा आ जाएगा खाने के। अब उसके बाद अपन टेस्ट करेंगे कचौरी। बस कचौरी में टेस्ट नहीं करके बताऊंगा, बाकी काफी बढ़िया से टेस्ट की है, बताऊंगा रेसिपी, कभी आपको लगे तो बता देना, रेसिपी में लिख दूंगा। पताशे गुंजे, ज़्यादा मीठा में कोई घर का पसंद नहीं है। ये हमारी मारवाड़ी में मिठाई होती है, ये खोए की मिठाई है। ये चकली आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बता देना, काफ़ी बढ़िया सी लगती है मुझे, मेरी फेवरेट है। बेसन के लड्डू, ये मार्केट वाले हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं है, बाकी ये शो के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। ये अपनी और एक और खोए की बर्फी है, मावा की बर्फी बोलते हैं। इधर है अपने पास काजू कतली, तो काजू कतली बम खाओ, दो तीन खाओ, बढ़िया दिवाली है, आराम से खाओ, टेंशन ले लो, खाओ पियो ऐश करो। इसके बाजू में मिठाई रखी है, ये आपने कसाटा आइसक्रीम खाई होगी तो उस टाइप का इसका टेस्ट आता है काजू इसमें। उसके बाद सबसे बेस्ट मिठाई जो मुझे लगती है ये केसर काजू की मिठाई है, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, और उसमें बीच में गुलकंद है, खाने के बाद काफी बढ़िया आनंद आता है। पर तो ये काजू रोल, ये काजू कतली जैसे इसका टेस्ट रहता है। ये अपने मोती चूर के लड्डू, ये हमेशा पूजा में चढ़ाते चढ़ाते हैं। तो उसके बाद आपको बताता हूँ एक बढ़िया सी मिठाई, ये है काजू की काजू पान, ये काफी बढ़िया सा टेस्ट रहता है, बाकी उससे बढ़िया टेस्ट ये मिठाई का रहता है, एक प्योर पान का टेस्ट आता है मिठाई खाने के बाद। तो ये मिठाई पूरी एक बार जरूर आपने ट्राई करना, और ट्राई जिसने की हो कमेंट करके जरूर जरूर बता देना। तो उसके बाद देखो ये सबसे बढ़िया सी मिठाई दिखा देता हूँ आपको, ये है केसर, ये मिठाई का नाम है केसर काजू, जो कि गाइस काफी बढ़िया सा टेस्ट है, इसको मैं जरा सी टेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं बहुत बार इसको ट्राई कर चुका हूँ, काफी बढ़िया टेस्ट आता है।
नेक्स्ट मिठाई में सबसे आखिरी में बात कर रहा हूँ, ये आधी बची हुई मैं आधी खाऊंगा, गुलकंद काजू कतली के नाम से आती है मिठाई। इससे बढ़िया मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई, इसलिए मैंने उसको सबसे आखिरी में बचा के रखा था। सबसे बेस्ट मिठाई है, मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, आप जरूर से जरूर ट्राई कर लेना, कोई भी दुकान पे मिल जाएगी आपको, और बता देना ट्राई करने के बाद कैसी लगी। तो गाइस ये रखे यहाँ पे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, काजू है, बादाम है, ये सब तो सुबह खाऊंगा, अभी खाने का मूड नहीं है। और ये है मीठे पारे, जो भाई लोग मीठा खाते हैं उनको काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और गाइस यहाँ पे रखे हैं चार पांच प्रकार के फ्रूट्स। तो गाइस दिवाली की पूजा करने के बाद और कुछ खाने के बाद गाइस अब चलते हैं फटाके फोड़ने, दिवाली का सबसे इम्पोर्टेंट काम। उसके साथ साथ गाइस आप कुछ सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, रंगोली की फ़ोटोज़ जो हमारे घर में बनाई हुई थी। उसके बाद गाइस आतिशबाजी आपने इंजॉय करना, वो मैं आपको अच्छी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये जो फोटो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आप भरोसा नहीं करोगे गाइस, ये फोटो क्लिक करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया गाइस, बड़े मुश्किल से इतना परफेक्ट शॉट आ पाया है। तो गाइज ये था दिवाली का व्लॉग, यदि पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना यदि आपको और भी ऐसे व्लॉग देखना है, तो यदि मैं कुछ स्पेशल करूंगा जैसा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए जैसे, तो गाइज मैं व्लॉग उसका जरूर से जरूर बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो गाइज जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।